मैंने उसे पूछा, मैंने कहा व्हाई पीपल स्पीक अरेबिक हियर, वो कह रहे हैं मोस्टली यहाँ पे आपको सीडियन मिलेंगे, तो जिनको इंग्लिश आती अरेबिक आती है, और दूसरा ये कि अरब कंट्री से वही जो मैंने आपको बोला टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं इस एरिया में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, नॉट गुड मॉर्निंग, क्योंकि 12 बज चुके हुए हैं और मंड के सोया हूँ अभी। ये जो कल अपार्टमेंट लिया था, नाम नीचे जाके दिखा दूँगा उसको, भी 12 बज गए, पूरे 12 बजे जो है ना पूरे पैसे वसूल किए हैं मैंने भी। अगर महंगा मिला है ना तो पैसे भी पूरे वसूल किए, पूरे 12 बजे चेकआउट करके अभी जा रहा हूँ नीचे। आज का प्लान कुछ नहीं है, रैंडम प्लान है, और लेक्स को एक्सप्लोर करूंगा, ऊपर एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे, वहाँ जाऊंगा, वो देखूंगा, फिर उसके बाद ऐसे आगे इसी रोड पे चलता हुआ जाऊंगा, जहाँ पे कोई ढंग की जगह अच्छी जगह मिली वहाँ पे सस्ती, वहाँ पे स्टे कर लूँगा। तो अभी चलता हूँ नीचे, फिर दिखाता हूँ आपको। ये है जी उजुन गोल लेक, जो इसकी यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, और वो सामने उस साइड पे अभी बर्फ़ है, कल ज़्यादा थी जब मैं आया हूँ, अब आज कम हुई हुई है, शायद धूप निकल आई है इसकी वजह से थोड़ी मेल्ट हो गई है। ये लेक है बहुत ही साफ सुथरी लेक है, कचरा आपको सैफुल मुल्क की तरह नीचे गिरा हुआ, कुछ सिगरेट के टोटे, चॉकलेट, लेज, ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही होंगी, बहुत ही साफ सुथरी है। उस साइड पर भी होटल्स हैं, ये रेस्टोरेंट है, नीचे ऊपर होटल्स हैं, इधर सारे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं, और ये यहाँ पे भी ये वाला था मेरा, और यहाँ पे भी ऐसे ही बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हैं और महंगे, ये इलाका महंगा है भाई, नो डाउट ये एरिया महंगा है। मैंने इधर का ख़र्चा तकरीबन 500 लीरा के बराबर का कर दिया हुआ है अभी तक, 500 लीरा इज़ इक्वल टू 7500 रुपये अकेले बंदे ने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी महंगा है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं अरब्स, कवेती, तो अब ज़ाहिर सी बात है उनके लिए 500,000 लीरा खर्च करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं है। खैर आप व्यूज़ इंजॉय करें, मैं अभी जाऊँगा उधर ऊपर, एक पॉइंट है जहाँ से पूरा लेक का व्यू नज़र आता है, रात में लाइटें चल रही थी अभी नज़र नहीं आ रहा सही से, शायद वो वाला है, तो उस पॉइंट पर जाऊँगा, वहाँ से लेक को कवर करूँगा कम्प्लीटली, देन उसके बाद उस साइड पे मैं मूव करता जाऊंगा, वो वाली साइड है, उस साइड में मूव करता जाऊंगा, जहाँ पे भी मुझे अच्छी जगह मिली मैं वहाँ पे पड़ाव डाल दूंगा आज का। चले जी, वो जो एक पॉइंट मैंने आपको पहले दिखाया था कि उस साइड पे जाने का प्लान बन रहा है, तो उसमें मेरा ख्याल कोई 1,00,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए, तो स्टार्ट कर दिए, देखता हूँ कितने सालों में पहुँचता हूँ ऊपर।
तो जी फाइनली 3 से 4 मिनट या हार्डली 5 मिनट लगे होंगे और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर पहुँच रहा हूँ, पहुँच गया हूँ इस पॉइंट पे। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा नज़र आता है, आपको दिखाता हूँ। चलो जी, ये ऊपर जो पॉइंट्स है वही नीचे, वो सामने रही मस्जिद और उसके साथ रहा ब्रिज, और वो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे हट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, इन्हीं में से एक में मैं रुका था जो रात में। तो अभी तक मेरा वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र हुआ है कोई 3 घंटों में। अभी आगे देखता हूँ कि आगे क्या बनता है मेरे साथ। चलें जी, सफ़र मेरा रवा दवा है। और ये एक चलते चलते चीज़ नज़र आई है, उजून गोल दुरसा नाली इनान म्यूज़ियम। मीन्स ये कोई इनका म्यूज़ियम है। अभी अभी आंटी ने एक ने खोला है इतनी लंबी सी चाबी लेकर। तो अब देखता हूँ कि आगे आगे चलता जा रहा हूँ, कहीं भी अच्छी जगह मिली तो। थोड़ा सा अभी चेंज तो हुआ है, होटल्स थोड़े से बेहतर हुए हैं, मतलब कि उधर भी थे इस तरह के, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा वाला नहीं ढूंढना है, मुझे कम अच्छा ढूंढना है ताकि वो मुझे सस्ता मिले। तो अभी चलता जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल ली है, फर्दर इतना चलूँगा शायद कोई अच्छा सस्ता मिल जाए। ये चलते चलते ये एक रिजॉर्ट नज़र आया है, इसका नाम है कमान उन नोगुल। तो यहाँ पर कोई इस तरह के डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, लाइक दिस। तो नीचे भी बेडरूम है, ऊपर भी है। मैंने कहा ज़रा पता कर लूँ भाई कितने का देता है। 100-150 लीरा का देता तो मैं इसमें अय्याशी मारूँगा आज फिर, लेकिन बंदा ही नहीं है कोई भी। चलें जी, ये है कुछ देखने में ऐसा जहाँ चल चल के पहुँचा हूँ 3-4 किलोमीटर। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब होटल्स बंद पड़े हुए हैं, और मुझे एक होटल खुला हुआ मिला है। मैं यहीं पर रुकूंगा, इसी दरिया के साथ है, दरिया है या स्ट्रीम है या जो भी है, पानी थोड़ा सा कम होगा हुआ क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से बर्फ़ अब पिघल नहीं रही होगी, तो इस वजह से पानी कम है। तो ये ज़्यादा खूबसूरत एरिया लगा है। उस एरिया का भी एक अपना वो है, लाइक वो लेक के पास है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सुकून है। तो माइंड भी यहाँ भी जो है ना वो स्टे करूँगा, वापस जाने का तो अब हिम्मत नहीं है कि दोबारा 3-4 किलोमीटर वॉक करके वापस जाऊँ। होटल ले लिया हुआ मैंने, ये वाला एलिफ इनान होटल। और नाश्ता नहीं है इसमें, 200 लीरा में मिला है। अभी ढूंढने के लिए निकला हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए ना, लंच के लिए कुछ मिला अभी तक, ना ही डिनर का कोई हिसाब किताब सेट हुआ हुआ है, और ना ही सुबह के ब्रेकफास्ट का कुछ है। तो अभी निकला हूँ कोई शॉप वॉप ढूंढ के, देन उसमें देखेंगे कुछ खाने के लिए मिल जाए हिमामा टर्की, तो फिर जो है वो कल सुबह इंशाल्लाह अपडेट करूँगा इस पे फिर क्या मिला था क्या नहीं मिला था। ओके जी, ये इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ, नाम था इसका मिस्टर सऊदी। और यहाँ पे जो मेन्यू है ये भी सारा अरेबिक में है, इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं 75 लीरा 100 लीरा तक की। और लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि इनके पास सिर्फ अवेलेबल यही है, तो वो बार बार इसी चीज़ पे आकर रहा है ताकि हम यही ले लें, और उसके पास चूँकि अवेलेबल यही है वो मंगवाया है कुछ समथिंग दजाज। तो आई थिंक चिकन को बोलते हैं ना अरेबिक में, तो वो कोई चीज़ लग रही है, आएगा तो दिखाता हूँ फिर कैसा है। ये आया जी, ये रहा सैलेड और ये रहा वो मजबूत दजाज, वो चिकन टाइप की कोई चीज़। तो अभी इसको ट्राई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ कैसा है।